हेलो स्टूडेंट्स, हम एक यूनिट माइक्रो इंडियन इकोनॉमी की ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का पेज 1 ओपन कीजिए। आपको कंटेंट्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें यूनिट नंबर 6, 1 to 5 यूनिट इज़ फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम ऑलरेडी 2 यूनिट्स कर चुके हैं। 12 मार्क्स की है इंडियन इकोनॉमी ऑन 1947, इंडियन इकॉनमी फ्रॉम 1947 टिल 1990, एंड देन फ्रॉम 1991 टिल 2020 टिल डेट। हमने 1947 से टिल डेट तक इंडियन इकॉनमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑन, आफ्टर, टिल 90, फ्रॉम 90 टिल डेट। ये 12 मार्क्स का है। अगला यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में कौन से करंट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इंडिया में मेन प्रॉब्लम किन चीजों की है। ये वो 6 जगहें हैं जहां पे इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, इंडिया की गवर्नमेंट को और वर्क करना है, और इंडिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आई रिपीट, इंडिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इन 6 पैरामीटर्स के कारण ही हैं। हम कहते हैं बिजनेस नहीं चल रहा, कनाडा जाना है, क्योंकि ये 6 चीज़ें ही इंडिया को अभी पीछे रख रही हैं। और ये प्रॉब्लम्स 22 मार्क्स की हैं। आपको पेपर में 22 मार्क्स का ये यूनिट आएगा। ये 6 प्रॉब्लम्स हैं: पॉवर्टी, गरीबी। आपको सुनते हुए ये चीज अजीब लगेगी कि इंडिया के 1/3 पीपल, अराउंड 60% को छोड़ के अराउंड 40% गरीब है। एंड व्हेन आई से गरीब, आई मीन टू से उन्हें खाना भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड में जितने पुअर हैं 50% इंडिया में हैं। यस, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पुअर पीपल इन द होल वर्ल्ड रिजाइड इन एशिया, स्पेसिफिकली इंडिया। द सेकेंड प्रॉब्लम, इंडिया की जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लोगों ने पढ़ाई कर ली, बच्चों ने पढ़ाई कर ली, बट उनके पास स्किल नहीं है। अब स्किल नहीं है तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, हम कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ठीक है इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इतनी सोचिए इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम सही तरह यूज करें तो कैसे वर्कआउट करेगी। हम अपनी कैपिटल, ह्यूमंस की पॉपुलेशन की कैपिटल को फॉर्मुलेट करें, स्किल दें। क्योंकि लोगों के पास स्किल कम है इसीलिए उन्हें जॉब नहीं मिल रही। इंडिया की तीसरी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, काम ना मिलना। काम नहीं मिलता इसलिए वो गरीब होते। फोर्थ प्रॉब्लम रूरल डेवलपमेंट। इंडिया के जो विलेजेस हैं, सिटीज काफी डेवलप हो चुकी हैं, बट अभी भी ऐसे विलेजेस हैं जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। उनको डेवलप करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। फिफ्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक करोड़ की गाड़ी है पर रोड नहीं है, मशीन लगी हुई है पर लाइट नहीं है। लाइट होगी तो मशीन चलाएंगे ना। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, हायर एजुकेशन जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च नहीं है। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की इकॉनमी को इस चीज की अभी प्रॉब्लम है,
करंट चैलेंजेस में आता है. एंड द सिक्स्थ वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम डेवलप तो हो रहे हैं बट उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग. हमें इस तरीके से डेवलप करना है कि ज़्यादा वाटर पोल्यूशन भी ना हो, एयर पोल्यूशन भी ना हो. और यही है हमारे करंट चैलेंजेस. ऑफ इंडिया मैं इन छह चैप्टर्स को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं. विल डू टू चैप्टर्स, देन विल डू चैप्टर ऑफ मैक्रो, देन विल डू टू चैप्टर्स, देन विल मूव टू द चैप्टर ऑफ मैक्रो, एंड देन टू चैप्टर्स, देन अगेन विल मूव टू द चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर एवरीवन? लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पॉवर्टी, गरीबी. पेज नंबर 54, पेज नंबर 55, चैप्टर 4, पॉवर्टी. नो व्हाट इज पॉवर्टी? राइट हैंड साइड पे देखिए, चैप्टर चेकलिस्ट है. पुअर कौन है? पुअर की कैटेगरीज अलग अलग टाइप के पुअर्स. पॉवर्टी लाइन क्या है? अगर आप लाइन से ऊपर हैं तो आप पुअर नहीं हैं, लाइन के नीचे हैं तो आप पुअर हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इंडिया में इतनी गरीबी क्यों है? पॉवर्टी को हटाने के लिए हमने क्या अप्रोच लिया है? 3D अप्रोच लिया है. कौन से प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए? क्या वो प्रोग्राम्स वैलिड हैं, सक्सेसफुल हैं? पॉवर्टी, पॉवर्टी में बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम ह्यूमन नीड्स रिलेटेड टू फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एडुकेशन, हेल्थ. प्लीज अंडरलाइन, सुना होगा आपने, रोटी, कपड़ा, मकान, दो चीजें और आ गई हैं, एडुकेशन एंड हेल्थ. अगर कोई पर्सन अपनी बेसिक फूड, बेसिक क्लोथ, बेसिक हाउस, बेसिक एडुकेशन 5th क्लास तक एंड बेसिक हेल्थ, अगर वो गरीब, अगर वो बीमार हो गया तो वो मेडिसिन लेके लेने जा सकते हैं. अगर कोई पर्सन ये पांच पैरामीटर को ऊपर सक्सेसफुली कवर कर लेता है तो वो पुअर नहीं है, वो गरीब नहीं है. सो पॉवर्टी बेसिकली मीन्स अ सिचुएशन व्हेन पीपल फेल टू रीच अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस. वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहा है. इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल, मैन अंडरगोस पेन एंड सफरिंग. प्लीज अंडरलाइन, पेन एंड सफरिंग. देयर इज अ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी. उसकी हेल्थ डिटियोरेट करेगी, एफिशिएंसी डिटियोरेट करेगी, क्योंकि वो गरीब है, पुअर है. पॉवर्टी इज अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर इंडिया, as more than 1/5 of world's poor live in India alone, but also for the world, where 300 million people are not able to meet their basic necessity. 1/5, 20%. मैंने आपको around 50% बोला था, because मैं sometimes poor को भी consider कर रहा हूँ. This is chronic poor. What is chronic poor? जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं. वो 20% इंडिया में रहते हैं पूरे world के. There are the following two concepts of poverty. India में poverty के दो concepts हैं, एक है absolute, एक है relative. Absolute poverty क्या है? एक बंदा गरीब होगा कब? जब वो ये चीजें पूरी नहीं कर सकता. Relative poor क्या है? India is a poor country as compared to USA. Pakistan is a poor country as compared to India. I'm not getting into politics, so let it be Nepal. Nepal is a poor country as compared to India. India is a poor country as compared to China.
दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू. अ पर्सन इज सेट टू बी एब्सोल्युटली पुअर इफ ही इज नॉट एबल टू अचीव अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. एक दिन में अगर वो इतना खाना नहीं खा सकता तो वो गरीब है. दिस कॉन्सेप्ट इज प्रेवेलेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन इज फिक्स्ड. इंडिया यूजेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी. इंडिया में यही कॉन्सेप्ट चलता है. अगर आप एक दिन में इतना खाना खा सकते हैं तो आप पुअर नहीं है, अदरवाइज आप पुअर हैं. ये कॉन्सेप्ट इंडिया में 1947-1970 से चल रहा है. ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में हट जाना चाहिए, वो बात की बात है, क्योंकि अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड नहीं है. अफ्रीका की कुछ कंट्रीज, युगांडा, कीनिया, जाम्बिया, उनमें ये कॉन्सेप्ट प्रिवेलेंट है क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं. वट इज रिलेटिव पॉवर्टी? दिस मीन्स दैट इवन दो अ पर्सन इज एबल टू फुलफिल ऑल हिज बेसिक नीड्स, ही इज पुअर इन कंपेरिजन टू अनदर पर्सन. दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिवेलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज. गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी. आई एम नॉट पुअर, बट इन कंपेरिजन टू अंबानीज आई एम पुअर. यू आर पुअर इन कंपेरिजन टू अंबानीज. यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट आता है. डेवलप्ड कंट्रीज में ये कंसेप्ट चलता है. अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. हम यूज कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव किया जा सकते हैं. द कंट्रीज लाइक जापान, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज लाइक डेनमार्क, उनमें कॉन्सेप्ट चलता है रिलेटिव पॉवर्टी का, गिनी कोफिशिएंट. द कंट्रीज लाइक अंडर डेवलप्ड लाइक युगांडा, जाम्बिया, कीनिया, इनमें कॉन्सेप्ट चलता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का. इंडिया भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को यूज करती है इंडिया में कितने पुअर्स हैं ये कंप्यूट करने के लिए. मीनिंग ऑफ पुअर. अब इंडिया में पुअर को कैसे कंसिडर किया गया? पुअर की डेफिनेशन सबसे डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स में देनी. हु इज पुअर, व्हाट इज पॉवर्टी? इट इज जस्ट अ रिलेटिव टर्म. एक लोअर मिडिल क्लास अपने आप को पुअर मान सकता है जबकि वो पुअर नहीं है. जस्ट थिंक, सब कुछ भूल जाओ, सोचिए लॉकडाउन में वो लोग जो अपने घर जाने के लिए पैदल गए हैं, साइकिल पे गए हैं, जिनको लोगों से, दे आर नॉट बैगर्स स्टिल, लोगों से पैसे मांग के खाना पड़ा है, क्या आप उनमें से हैं? नहीं, आप पुअर नहीं है. दिस इज माई पॉइंट, यू आर नॉट पुअर, दे आर पुअर. थोड़े डेफिनेशन को कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में लेके चलते हैं. इंडिया में पुअर कौन है? लेट्स सी. पीपल हु फेस पॉवर्टी आर रेफर टू एज पुअर. These people are not able to fulfill their just basic needs of food, clothing, shelter, roti, kapda, makan. They suffer from many deprivations, some of which are enumerated below. हमारी मेड पुअर है? नहीं, मेरी मेड पुअर तो नहीं है. उसके पास रेंट के घर पे रहती है, दो कमरे हैं, दोनों कमरों में कूलर लगे हुए हैं. They are not poor, according to me. शायद वो अपने आप को पुअर मानते हैं. Let's see the definition. कौन गरीब है? They possess few assets. उनके पास कुछ assets होते हैं. हम मेरे इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में 8 ACs लगे हुए हैं, बहुत सारे assets हैं, 200 chairs हैं, उनके पास बहुत गिनती के, they can count on finger, कि हमारे पास 2 beds, 4 bedsheets, 1 cooler है. They reside in kacha hutments with wall made from bug baked muds and roofs made of grass, thatch, bamboo, wood. The poorest among the poor do not even such dwellings. कच्चे घर में रहते हैं और कईयों के पास तो घर ही नहीं होता. अब सी, got it? Economics की definition clear. जो कच्चे घर में रहते हैं वो poor हैं. कितने लोगों को तो मैं ही जानता हूँ. हमारा एक sweeper है, slum area में रहता है, पर उसके घर में dish लगी हुई है. अब एक्चुअली वो पुअर नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में हम उसे पुअर मानेंगे क्योंकि वो कच्चे घर में रहते हैं. इन रूरल एरियाज मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस. इवन इफ सम ऑफ देम पजेस लैंड, इट इज ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड. रूरल एरियाज में उनके पास घर नहीं है, जगह नहीं है. चलिए अर्बन एरिया में तो जगह लेना बहुत डिफिकल्ट है. दिल्ली में चले जाओ, बड़े अमीर अमीर लोग फ्लैट्स में रहते हैं. इंडिया में कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो मुंबई में रेंट पे रहते हैं, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं.
रूरल एरियाज में घर नहीं, और अगर घर है तो वेस्ट है, पानी नहीं है वहां पे. मेनी पुअर डू नॉट हैव इवन टू मील्स अ डे बिकॉज ऑफ दिस मॉल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंगली हाई अमंग देम. प्लीज मार्क स्टार. अकॉर्डिंग टू मी बींग अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम लास्ट 12 to 13 years, मैं इस डेफिनेशन को अप्रूव करता हूँ. ये सारी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी हुई है. जिन्हें दो वक्त का खाना नहीं मिलता वो गरीब है. अब ये नहीं कि वो डाइटिंग पे है, उन्हें अब करवा चौथ पे इंडिया की सारी वुमेन ही पुअर हो जाती हैं, ऐसा नहीं है. जनरली कैजुअली उन्हें एक दिन में दो दिन का खाना नहीं मिलता, दो वक्त का खाना नहीं मिलता. दे डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज. इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस मेक देम फिजिकली वीक. अगर वो बीमार हो जाते हैं, लूज मोशंस लग गए या टीबी हो गया है, उनके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं है, दे आर पुअर. द पुअर पीपल आर हाईली वल्नरेबल, दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट अपॉन देयर वेजेस एंड आर एक्सप्लॉयटेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स. वो लोग गरीब हैं, वो पुअर हैं, जिनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, वो नेगोशिएशन नहीं कर सकते, उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, गलत तरीके से यूज किया जाता है, दे आर पुअर. बींग नॉट एबल टू अर्न इनफ, दे रिजॉर्ट टू बोरो मनी फ्रॉम लेंडर हू चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच पुशेस देम टू अ क्रॉनिक इनडेबटनेस. वो लोग गरीब हैं जिनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए लोन लेना पड़ता है, और लोन उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, जिससे वो आगे जाके डेबटनेस में चले जाते हैं, दे आर पुअर. दे कुक फूड यूजिंग फायरवुड एंड काउडन केक. दे डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ LPG सिलेंडर और कैरोसिन ऑयल. पुअर पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. दे डोंट ड्रिंक, दे वाटर दे ड्रिंक इज नॉट सेफ. जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अ पुअर हाउस होल्ड. द वुमन हैव नो रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड रिसीव लेस केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. न्यूली बॉर्न बेबीज हैव चांस टू लेस चांस टू सर्वाइवल. वो लोग गरीब हैं जहाँ पे फीमेल फैटिसाइड बहुत होता है, भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं. वो लोग गरीब हैं जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं होती. दैट मीन्स गर्ल्स को अलग रखा जाता है, शादी के टाइम पे उनसे पूछा नहीं जाता. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आई हैव नो आइडिया वेदर आई शुड गिव इट और नॉट, बट बींग यू आर मेच्योर इनफ. द गर्ल्स ड्यूरिंग मेंसुरेशन साइकिल उन्हें किचन में नहीं आने दिया जाता, या ड्यूरिंग मेंसुरेशन साइकिल उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है. यस, दे आर पुअर, वो गरीब है. क्लियर एवरीवन? द अबव गिवन लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. हमने 10 डेफिनेशंस कर दी पुअर की, ये एग्जॉस्टिव नहीं है. इसके अलावा बहुत कुछ है जो लोगों की पॉवर्टी शो करती है. जैसे कि एक पर्सन है जिसका घर है, पानी अच्छा मिल रहा है, बट उसे घर से निकाल दिया गया, अब वो रोड पे सोता है. ही और शी इज पुअर. द पुअर पीपल फेस एंडलेस डिप्रिवेशन एंड ह्यूमिलेशन इन देयर लाइफ. डेली बेसिस पर उन्हें साइकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ता है, डिप्राइव ऑफ रहते हैं. हाउ एवर इट शुड बी रिमेंबर दैट स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ पुअरेस्ट हाउस होल्ड. प्लीज अंडरलाइन, जो मैंने बोला था वही चीज यहां मेंशन किया. भूखमरी एंड हंगर, वो लोग गरीब हैं जो भूखे हैं और भूख की वजह से मर रहे हैं. 3 days back I just saw news and that was the actual, not a fake news. There was a migrant labor going on a road. He was so hungry, he saw a dog on the road, dead due to accident. Unfortunately, in a country like India, जिसे 70 से 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस मिले, जिसमें अंबानी जैसे लोग हैं और हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन, वो पर्सन मरा हुआ डॉग खा रहा था. यस, दिस इज पॉवर्टी. दैट पर्सन जस्ट सॉ द डेड डॉग ऑन द रोड एंड ही स्टार्टेड ईटिंग दैट डॉग. ही इज पुअर. यस, वी आर पुअर. आर इंडिया इज पुअर. Poor people lack basic literacy, are unskilled and have very limited economic opportunities.
I hope we are clear with this. Let's move to categories of poor. किस तरीके के poors हैं? इंडिया में poors को दो तरीके से डिवाइड किया गया है. एक में दो कैटेगरीज हैं, अर्बन एंड रूरल पुअर, और इसमें पांच कैटेगरीज हैं. पहले हम अर्बन और रूरल पुअर करते हैं. हु आर अर्बन पुअर? वो लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, और वो गरीब हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पुअर पीपल कैन बी कैटेगराइज्ड एज अर्बन पुअर. These poor people resides in cities, towns and generally comprise of people who have migrated from rural areas in search of employment opportunities. Migration, वो लोग जो villages से cities में आ गए but उन्हें काम नहीं मिला. Example of urban poor are laborer working on construction sites, servants working for domestic help, street vendors, etc. The common feature of urban poor people are they live in small huts in a slum area which are dirty, filthy, unfit for living. Their houses do not have electricity or sanitation facilities. Slum areas में रहते हैं. You, because आप virtual class में online पढ़ रहे हैं, तो आप सभी, चाहे आप लुधियाना से हैं, जलंधर से हैं, चंडीगढ़ से, आप सभी urban areas में रहते हैं. कभी traffic lights पे लोग आ जाते हैं, traffic lights पर आपको चीज़ें बेचनी शुरू कर देते हैं, वो है urban poor. कहां रहते हैं? फ्लिथी एरियाज में. दे आर इलिटरेट एंड ऑल्सो अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स. चाहे गवर्नमेंट फ्री में उन्हें पढ़ा रही है बट स्टिल वो स्कूल नहीं भेज पा रहे उन्हें. ये उन्हें पता ही नहीं बेच के करना क्या है. दे डू नॉट हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कभी कर रहे हैं, डिपेंड्स. दे सफर फ्रॉम पुअर हेल्थ. I'm just giving you an example. हमारे घर पे दो maids हैं. We have 3-4 maids for different reasons. मैं दो example दे रहा हूँ. There is one person, Anjali. उसके बच्चे government school में पढ़ते हैं. घर में cooler है. उसका husband DMC hospital के अंदर cleaning department में लगा हुआ है. They are not poor. वहीं पर घर पे जो maid आती है, she is, उसके कोई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, छोटी बेटी है, like 7 years की. मैंने उससे पूछा, what you are going to do? मैं अपनी मम्मी के साथ हेल्प करूंगी, मम्मा का काम करवाऊंगी. We encouraged कि उसकी बेटी भी किसी स्कूल में जाके पढ़े. घर के साथ ही गवर्नमेंट स्कूल है. नो, वो आ रही है हमारे घर पे साथ में, उसकी मम्मी लेके आ रही है. उसे एडुकेशन का कुछ पता ही नहीं, ईडी क्या होता है. दे आर पुअर एंड दे रिजाइड इन रूरल एरिया. अर्बन इन लुधियाना. सो दिस इज अर्बन पुअर. शी इज अर्बन पुअर. दे सफर फ्रॉम पुअर हेल्थ. दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द ड्रिंकिंग वाटर. नाउ हू आर रूरल पुअर? वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं और गरीब हैं. दीज पुअर पीपल रिजाइड इन विलेजेस एंड जनरली कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स. Farmers with small land holdings, landless laborers engaged in non-agriculture jobs, and tenant cultivators with small land holdings. The common features of rural poor people are, the majority of rural people are landless. वहाँ पे जो rural area में है ना, land बहुत सस्ता होता है, उनके पास वो land ही नहीं होता रहने के लिए. They live in kacha hutments, kacha houses में रहते हैं. They live a life of chronic indebtedness. Loan लिया, पे नहीं किया, फिर लोन लिया, जगह लोन पर दे दी, पैसे वापस नहीं हुए, जगह किसी ने टेक ओवर कर ली, उनकी लाइफ इसी सर्कल में रहती है. द चिल्ड्रन ऑफ रूरल पुअर आर फोर्स टू वर्क. उनके पेरेंट्स ही अपने बच्चों को जबरदस्ती काम करवाते हैं. दे यूज काउडंग एंड फायरवुड एज फ्यूल. फ्यूल के लिए वो फायरवुड और काउडंग यूज करते हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. कैरोसिन ऑयल नहीं खरीद सकते वो, एलपीजी तो दूर की बात है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. सो वी हैव डन हु आर पुअर, व्हाट इज पुअर, व्हाट इज पॉवर्टी, हु आर पुअर. देन वी हैव डन द कैटेगरीज ऑफ पुअर. द फर्स्ट इज अर्बन एंड रूरल पुअर. द सेकेंड कैटेगरी इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पुअर और
how much poverty they live in their life, how much poverty is in their life. Let's proceed with that. Chronic poor का मतलब है जो बहुत ज्यादा गरीब है इंडिया में. Transit poor, कभी गरीब हैं कभी नहीं है. Non poor, जो कभी भी गरीब नहीं होते. First is chronic poor, always poor. अच्छा पहले ना ये पढ़ाने से पहले मैं नीचे आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ. प्लीज सभी डायग्राम पे ध्यान दें. प्लीज चेक द डायग्राम. आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है. दिस इज पॉवर्टी लाइन. ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज पॉवर्टी लाइन. जो लोग यहां पर हैं इस लाइन से नीचे वो ऑलवेज पुअर है, हर टाइम गरीब है. ये लोग आउट ऑफ वन ईयर 10 मंथ्स पुअर रहते हैं, 2 मंथ्स पुअर नहीं रहते. ज्यादातर गरीब रहते हैं. कभी बम्पर क्रॉप हो गया, बहुत अच्छी बारिश हो गई, तब वो पुअर नहीं है. अदरवाइज दे आर नॉर्मली पुअर. दिस इज चर्निंग पुअर. 6 मंथ्स दे आर पुअर, 6 मंथ्स दे आर नॉट. दे आर लाइक अर्बन लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं. डीमोनेटाइजेशन होगी वो पुअर हो गए, जीएसटी इंप्लॉय हुआ वो पुअर हो गए, लॉकडाउन हुआ वो पुअर हो गए. वैसे दे आर नॉट पुअर, दे आर माइग्रेंट्स नॉर्मली. नेक्स्ट इज ओकेजनली पुअर, समटाइम्स पुअर समटाइम्स नो. ये जो है ये लोग हैं, ये पॉवर्टी लाइन है. दिस इज पॉवर्टी लाइन, राइट. जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है दे आर नॉट पुअर. सो आउट ऑफ 12 मंथ्स 10 मंथ्स दे आर नॉट पुअर, 2 मंथ्स दे आर पुअर. एंड ये हैं हम और आप, नेवर पुअर. अगर हम कुछ एग्जाम्पल दें, आई वॉज गोइंग टू अ बुक शॉप समराला चौक पे. जैसे ही गाड़ी रुकती है एक पर्सन आता है जो मेरे को 10-10 20-20 रुपए के टॉयज बेच रहे हैं. ऑलवेज पुअर. थोड़ा आगे मैं जाता हूं, गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा रहा हूं. गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाया, शॉप द पर्सन ओकेजनली पुअर. उसकी जॉब परमानेंट नहीं है. 10 घंटे काम करता है, जिस दिन नहीं आता सैलरी कट जाती है. आई वेंट टू अ बुक शॉप, उन्होंने छोटू रखा हुआ है. दिस टाइप ऑफ पुअर. आई केम बैक, घर पे मेड है, समटाइम्स पुअर. 10 ईयर से यहां पे रह रही है. एंड वी नेवर पुअर. लेट्स सी द डेफिनेशन. ऑलवेज पुअर, पीपल हु डू नॉट यूजली हैव सफिशियंट मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स आर ऑलवेज पुअर एंड रिमेन बिलो पॉवर्टी लाइन. यूजली पुअर. पुअर हु समटाइम्स हैव लिटल मोर मनी बट यूजली आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स आर कंसिडर्ड यूजली पुअर. कैजुअल वर्कर्स एंड लैंडलेस वर्कर्स. ट्रांजिट पुअर, कभी कभार. चर्निंग पुअर, दे रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइक स्मॉल फार्मर, सीजनल वर्कर्स. ओकेजनली पुअर, दे आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मैनी समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक लाइक पीपल हु गैम्बल. और क्लाइमेट लॉकडाउन के केस में जो लोग पुअर हो गए, नॉर्मली दे आर नॉट पुअर, समटाइम्स दे गॉट इट एंड दिस इज दैट. नॉन पुअर, नेवर पुअर. दीज आर दोज पीपल हु लिव अबव द पॉवर्टी लाइन, दे आर नॉन पुअर. डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल सेक्टर, वी, यू, मी. इन दिस रिस्पेक्ट पॉवर्टी लाइन रेफर टू द कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स द पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर. प्लीज अंडरलाइन, पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट. पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है
जो बताती है कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है. आई वॉन्ट यू टू चेक द डायग्राम. एक बार नीचे जो फिगर गिवन है उसको गो थ्रू कीजिए. गो थ्रू विद दैट स्पीड अप. तो अभी तक हमने किया है हु आर पुअर, व्हाट आर द कंडीशन दैट लेड टू पॉवर्टी, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, कैटेगरीज ऑफ पुअर. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. पेज नंबर 59, पेज नंबर 59. The poverty has shifted from urban to rural to urban areas. Why? पहले जो poverty थी वो सिर्फ rural areas में थी. I repeat, पहले जो poverty थी वो सिर्फ rural areas में थी. अब poverty urban areas में shift कर रही है. Why? इसका right answer है migration. मुझे नहीं पता इन्होंने क्या answer लिखे. इसका exact answer है migration. कहने का मतलब है पहले लोग विलेजेस में पुअर थे, उनको लगा कि अर्बन एरियाज में काम है, उन्होंने यहाँ शिफ्ट करना शुरू किया. जिनको काम मिल गया ठीक, जिनको नहीं मिला वो पुअर हो गए. और अब अर्बन एरियाज में भी पॉवर्टी आ रही है, रूरल एरियाज में कम हो रही है. द पॉवर्टी हैज शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पीपल हु माइग्रेटेड टू, यस द आंसर इज माइग्रेशन टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड माइग्रेटेड, माइग्रेशन. लॉकडाउन में कितने लोग माइग्रेशन से वापस गए, पैदल वापस जाना शुरू किया. वो पुअर थे, जिनका तो यहाँ पे काम था वो तो गए नहीं. कौन गए हैं? जो अर्बन पुअर्स थे, दे माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल एरियाज एंड डिडंट गेट द प्रॉपर वर्क. पेज क्वेश्चन नंबर 20, द सेम क्वेश्चन, सेम पेज क्वेश्चन 20. एक्सप्लेन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. जो कंट्री एक बार पॉवर्टी में फंस जाती है उसे निकलना बहुत मुश्किल है. विशियस को मैं यहाँ पे दलदल कहूँगा. द कंट्री हु गेट्स इन टू द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिमेन्स पुअर. क्यों? देखिए, कंट्री की इनकम कम है, कंट्री की इनकम कम है तो लोग खर्चा कम कर रहे हैं. लोग खर्चा कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर रहे हैं. प्रोडक्शन कम हो रही है तो लोगों को काम कम मिल रहा है. लोगों को काम कम मिल रहा है तो लोगों की इनकम कम है. अब आप सोचेंगे तो इस सर्कल से बाहर कैसे आएंगे. इस सर्कल से बाहर आने के लिए हम आगे पढ़ेंगे. जब हम प्रोग्राम्स पढ़ेंगे पॉवर्टी से बाहर आने के लिए क्या प्रोग्राम्स लाए गए. ये देखिए, इट्स अ विशियस सर्कल. सर्कल ये चलता ही रहता है पॉवर्टी का. विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इंप्लाइज दैट पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी क्यों है कंट्री में? क्योंकि लोग गरीब हैं. पॉवर्टी ही अपने आप में एक रीजन है. देर आर मेनी विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी, वन ऑफ देम इज डिपिक्टेड बिलो. प्लीज चेक. पॉवर्टी मीन्स लो प्रोडक्शन, मीन्स लो इनकम, मीन्स लो डिमांड. Means low capital, means low investment, means low production, means low demand. आप ये भी बना सकते हैं. Income is less because expenditure is less, production is less, employment is less. That means income is less. Question number 16th. Question number 16th. The nature of one's employment is one of the determinants of one's poverty. लोग कैसा काम करते हैं उससे पॉवर्टी डिटर्मिन करती है. कैसे? पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आप किस टाइप का काम करते हैं. अगर आप स्किल्ड काम करते हैं तो आप कभी पुअर नहीं बन सकते. अगर आप अनस्किल्ड काम कर सकते हैं तो देखना पड़ेगा. आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड.
अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो आप पुअर होने के चांसेस बहुत कम हैं। लाइक आप होटल, ऑबराइज होटल, स्कूल में परमानेंट टीचर हैं, कॉलेज में परमानेंट टीचर हैं, तो चांसेस कम है पुअर होने के। बट अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो आपके पुअर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एंड इंटरमिनेंट नेचर ऑफ वर्क लीड्स टू पॉवर्टी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसके साथ नीचे लिखिए, 16th आंसर के साथ में लिखिए। माइग्रेंट वर्कर्स वर्किंग कैजुअली एंड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कभी कभार जिन्हें काम मिलते हैं, एंड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, लीड्स टू पॉवर्टी, उन लोगों के पुअर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? द पर्सन इज पुअर। डेवलप्ड कंट्रीज में कंसेप्ट चलते हैं, गिन्नी कॉफिशियंट हेल्प करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालने के लिए। रिलेटिव पॉवर्टी इन कंपैरिजन, वेदर यू आर पुअर और नॉट, दैट इज बेसिकली यूज्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू अचीव द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। द कॉन्सेप्ट इज प्रेवेलेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स दैट अ पर्सन इज पुअर इन कंपैरिजन टू सर्टन अदर पर्सन। दिस कॉन्सेप्ट इज प्रेवेलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। मैंने शायद वाइस वर्सा बोला था, क्लियर एवरीवन? गिनी कॉफिशियंट इज रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 18, वी आर लेफ्ट विथ थ्री मोर क्वेश्चंस। आफ्टर थ्री क्वेश्चंस वी आर डन विद द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन गिनी कॉफिशियंट। गिनी कॉफिशियंट क्या है? द गिनी कॉफिशियंट वॉज प्रपोज बाय इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी इन 1912 में एक थीसिस आई थी। यू नो थीसिस, साइकोलॉजी चेक करके जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है। द मेजर ऑफ इनइक्वालिटी इनकम ऑफ वेल्थ एज अ मेजर ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। उसने ये प्रूव किया कि लोग कब पुअर होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। द कॉफिशियंट वेरीज बिटवीन 0 विच रिफ्लेक्ट्स कंप्लीट इक्वालिटी एंड 1 विच इंडिकेट्स कंप्लीटली इनइक्वालिटी। अगर 0 है तो पॉवर्टी नहीं है, सभी इक्वल है। अगर 1 है तो पॉवर्टी है, लोग इनइक्वल लाइफ में जी रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है। इंडिया का गिनी इंडेक्स है 0.339, 33%। यू मे लर्न इट, बट इट चेंजेस ओवर द ईयर, पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस आइडेंटिफाइड 2 कैटेगरीज ऑफ पुअर, व्हाट आर दीज? इंडिया में है अर्बन पुअर, रूरल पुअर, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर, नेवर पुअर। बट यूनाइटेड नेशंस ने ये 2 पॉवर्टी बोली है। 1, जिसके पास पैसा नहीं है। 2, पैसा है बट वो लाइफ अच्छी तरह नहीं जी रहा। यूनाइटेड नेशंस हैज आइडेंटिफाइड 2 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। इनकम पॉवर्टी विच अराइजेस ड्यू टू नेसेसिटीज ऑफ मटीरियल लिविंग बींग्स, यही ज्यादा बेटर डेफिनेशन है इंडिया के टर्म्स में। दूसरी टाइप की पॉवर्टी चलती है जो कंट्रीज बहुत अमीर है, डेनमार्क एंड
न्यूयॉर्क सिटी इन टर्म्स ऑफ यूएसए? क्या न्यूयॉर्क में कोई पुअर नहीं है? बहुत पैसे कमाते हैं वो, स्टिल दे आर पुअर. व्हाई? क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. ह्यूमन पॉवर्टी विच इज डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग अ टॉलरेबल लाइफ. एक मैरिड वुमेन जिसे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है कि वो दहेज लेके आए, या एक मैरिड वुमेन जिसने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है जिसे डेली बेसिस पे टॉर्चर किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस उस लेडी को पुअर कहेगा चाहे उसके घर पे ऑडी खड़ी हुई है. ये डेफिनेशन इंडिया में बहुत ही लेस प्रिवेलिंग है अभी, क्योंकि इंडिया में अभी इनकम पॉवर्टी पर ध्यान दिया जा रहा है. वो पूरा होगा तब हम इस पॉवर्टी के बारे में ध्यान देंगे. तो यूनाइटेड नेशंस ने दो पॉवर्टी पे बोला गया कि द पुअर कैन बी, द पर्सन कैन बी पुअर इनकम पॉवर्टी, ही डज नॉट हैव मीन टू स्पेंड, टू ह्यूमन पॉवर्टी, ही डज नॉट लीव अ गुड लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है उसके पास. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 26. जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप सभी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं. जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू बी डन. इफ यू आर नॉट डूइंग एनी अदर बुक दैट इज कूल, डोंट डू एनी अदर बुक. नो टीआर जैन संदीप गर्ग चलेगा, बट इस बुक के ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस करने जरूरी है, स्पेशली जो मैं करवा रहा हूं. 26th, illustrate the difference between rural and urban poverty. Is it correct to say that poverty has shifted from rural to urban areas? Use the trends in poverty ratio to support your answer. Kya urban se rural ki taraf, rural se urban ki taraf poverty shift kar rahi hai? I'll say yes, due to migration. Rural poor are the poor people residing in villages and small towns. The rural poor work mainly as landless agricultural laborers, cultivators with very small land holdings. लैंडलेस लेबरर्स एंड टेनेंट कल्टिवेटर्स, जो हम कल्टिवेट करवाते हैं अपना लैंड पैसे देके, वेजर्स, साल में दो महीने उन्हें काम मिलता है. ऑन द अदर हैंड, अर्बन पुअर आर द पुअर पीपल इन द मेट्रोज एंड बिग सिटीज लाइक बैंगलोर, चेन्नई, लुधियाना. अर्बन लेबरर्स डू अ वराइटी ऑफ कैजुअल जॉब, सेल अ वराइटी ऑफ थिंग्स ऑन रोड साइड, एंगेज इन वेरियस अदर सच एक्टिविटीज. इट कैन बी सीन फ्रॉम द गिवन टेबल सच The poverty ratio has shifted from rural to urban areas. आप चेक कर सकते हैं राइट हैंड साइड पर. 56% रूरल एरिया में था पॉवर्टी, जो कि होगी 28%. रूरल पॉवर्टी कम हो रही है. अर्बन पॉवर्टी 49 से 25 हो रही है, हुई पहले से कम है बट शिफ्ट आ रहा है उसमें. It is evident from the above table that rural poverty has declined significantly from 56 to 28. Decline in urban poverty is not that significant. Rural mein decrease bahut zyada hai, urban mein utna nahi hai. Moreover, the gap between rural and urban poverty ratios, which is around 7%, now is 2%, again signifying the shift from poverty from rural to the urban areas. पहले डिफरेंस था 7%, अब है जस्ट मेयर 2%. इसका मतलब ये नहीं है कि पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉवर्टी ओवरऑल कम हो रही है, बट इस लाइन को इस तरीके से, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक लाइन लिखिए राइट ऑन द लास्ट लाइन इस टेबल के साथ. द डिक्रीज इन द पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, the decrease in the poverty in rural areas is more than the decrease in the poverty in urban areas. Decrease in the poverty in urban areas, मैं conclude कर रहा हूं, urban area में poverty अगर 10% से कम हुई है तो rural areas में poverty 20% से कम हुई है. दैट मीन्स कुछ लोग हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव किए हैं और उन सभी को काम नहीं मिला है. दैट्स इट फॉर ऑल, इस लेक्चर के लिए इतना काफी है.
कल हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, पॉवर्टी को कंटिन्यू किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।